नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसॉर्ट्स। जब से नीतीश मंत्रिमंडल से अलग हुए हैं संतोष मांझी, तब से लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन पर निशाना साधे हुए हैं। और ऐसे में गरीब संपर्क यात्रा के दौरान उन्होंने जमकर नीतीश सरकार और महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा है कि अब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए महागठबंधन के लोग जो है एक नेता तक तैयार नहीं कर पाए हैं। महागठबंधन करने के लिए नियत और नीति होनी चाहिए जो इनके पास नहीं है। जरा सुनिए कि संतोष मांझी जो है किस तरीके से कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। कोई गठबंधन मजबूत नहीं हो जाता, गठबंधन को मजबूत करने के लिए नियत और नीति होनी चाहिए। वो नियत और नीति उनके अंदर में नहीं है, वो सौदेबाजी है, मजबूरी का गठबंधन है। और सब लोग मिल कर करके गठबंधन कर रहे हैं कि हमको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। लेकिन हटाने के लिए उस तरह का काम भी आपको करना होगा जो विगत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। उसके आसपास भी तो आके देखिए और दुनिया के मानचित्र पर भारत का नक्शा हर जगह नज़र आता है। और देश के राष्ट्रीय स्तर पर मैंने इंटरनेशनल स्तर पर एक शक्तिशाली नेताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी का शुमार होता है। तो इस कैलिबर का और इस व्यक्तित्व का जो मालिक है और उस तरह के नेता हैं उस स्तर के, हमको नहीं लगता उनके सामने कोई मुकाबला है। और अभी तक उन्होंने एक नेता को खड़ा नहीं कर पाया जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष खड़ा हो। तो हम समझते हैं कि उनकी पहल इस तरह के बेकार पहल है। सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ भावना है कि प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ ना कुछ अपना एजेंडा है। तो एजेंडा और भावना और सौदेबाजी से कोई सरकार नहीं बनती है। सरकार बनती है जिनका नियत साफ होती है, जो गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसा वहाँ नहीं लगता है। हम समझते हैं एनडीए प्रचंड बहुमत से इस बार जीत गया। क्या इसके पीछे उद्देश्य है, क्या ये आगामी चुनाव को लेकर तैयारी है? देखिए, चुनाव की तैयारी नहीं है, हमारी पार्टी का एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है जो हम लोग हर प्रमंडल में शुरू करना है। बिहार के सभी प्रमंडलों में शुरू करना है। मगध प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल में हम लोग कर चुके हैं। पूर्णिया का आज आखिरी दिन है पूर्णिया का। और हम लोग हर जगह गरीबों के पास जा रहे हैं, गरीबों के निवास जहाँ पर हम लोग रहते हैं, चाहे वो पहाड़ के तलहटी में हो, चाहे सुदूर इलाकों में हो, जंगल में हो, हर जगह हम लोग जाने की कोशिश करके उनसे वार्ता करते हैं, उनकी दर्द को सुनने का काम करते हैं, जो समस्या है उनकी और उसको हम लोग बांटने का कोशिश करते हैं। और समस्या का समाधान और निदान कैसे हो इस पर भी बातें होती है। और हम लोग आगे जहाँ तक हम लोग सक्षम होते हैं हम लोग कोशिश करके अधिकारियों से बात करके उसको संभव करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर जब कार्यक्रम होता है तो कार्यकर्ता बनते हैं, जब कार्यकर्ता जब सबल होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, तो पार्टी भी विस्तारित होती है। पार्टी जब विस्तारित होती है तो हमारा जो आकार है बढ़ता है, हम जन जन तक पहुँच पाते हैं। जो कोई भी पोलिटिकल पार्टी का एक मोटिव होता है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाए, हमारी पार्टी, हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारे नेता का जो संदेश है वहाँ तक पहुँचेगा, तभी जा करके वो हमारी पार्टी सही मायने में गरीबों की पार्टी कहलाएगी। और जब हम गरीबों के बीच में पहुँच जाएंगे और गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर पार्टी का प्रसार होगा, तब कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो सफल होंगे। तो ये एक प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। पूर्णिया में है, संयोग है, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है कि पूर्णिया में चुनाव लड़ने के लिए है इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूर्णिया में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भविष्य का विषय है, ये गठबंधन का विषय है। गठबंधन में कौन सा सीट किसको मिलेगा वो आने वाला समय, लेकिन हम इतने मजबूत हो जाना चाहते हैं कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ें, चाहे हमारे सही भी जहाँ भी रहें, हम की भूमिका रहनी चाहिए, हम दिखना चाहिए और हम उनको मदद करें तो उनको लगे कि हम पार्टी से नज़र आ रही है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये चुनाव के बाद भी चलता रहेगा। ये चुनाव तक सिर्फ नहीं है, 5 साल और 7 साल का हमारा एजेंडा है कि बिहार के हर गाँव में हम पहुँच के गरीबों से संवाद कर सकते हैं। जिस तरह से विपक्षी एकता एक जो है इंडिया गठबंधन, इतना इम्पैक्ट करेगा अगर चुनाव। देखिए,
तो आपने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी का ये बयान सुना जिसमें वो जमकर नीतीश कुमार और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि महागठबंधन करने के लिए जो है नियत और नीति होनी चाहिए। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नरेंद्र मोदी को जो है हरा सके, लेकिन अभी तक जो है एक नेता तक उनके सामने खड़ा नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे जो महागठबंधन में है सभी पीएम के कैंडिडेट है। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल अभी जो है हम पार्टी की तरफ से गरीब संपर्क यात्रा चलाया जा रहा है और इसी के तहत जो है संतोष मांझी पूर्णिया प्रमंडल पहुंचे हुए थे। यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था काला भवन में और यहीं पे उन्होंने ये बयान दिया है नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।